तो दोस्तों विकास लाइफ केयर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डेटवेज के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 131 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लगभग 99 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 92 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने हुआ। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 7% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दो क्वार्टर पहले जब मैंने कंपनी के नंबर्स को बनाया था, पिछले क्वार्टर में भी जब कंपनी के नंबर्स को मैंने एनालाइज किया था तब मैंने आपको बताया था कि इस शेयर से निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर से देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 97 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 94 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑनलाइन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 2 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 11 करोड़ के आसपास का फायदा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी लगभग 3 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले साल दर साल, जहाँ 11.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा था अभी देखें तो 3 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। जबकि पिछले क्वार्टर से भी देखें तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको लगभग बोल सकते हैं 50% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS माइनस का 0.03, अभी पिछले साल देखें तो 8 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 0.00 माइनस का देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी का नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में जब मैंने रिजल्ट का एनालाइज किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी का नंबर कमजोर है, ऐसे शेयरों से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रॉफिट बुक हो तो कर लेना चाहिए, वही मैंने आपको एडवाइस दिया था पिछले क्वार्टर में। सेम एडवाइस मैं फिर से आपको देना चाहूँगा क्योंकि कंपनी का नंबर कमजोर है, अगर आप फंस गए हैं शेयर के अंदर तो अगर आपको मौका मिले कभी भी थोड़ा बहुत लॉस लेना भी पड़े तो आप लेके निकल जाइएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है और कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी अच्छे नहीं है और कंपनी के नंबर्स जो है वो आपके सामने हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।